विश्व एड्स दिवस के अवसर पर IMA के OPD का शुभारंभ प्रोफेसर डॉक्टर राधा जीना द्वारा फीता काटकर किया गया तथा एक एड्स जागरूकता रैली भी निकाली गई। एड्स जागरूकता रैली महानगर के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए लोगों को एड्स रैली जैसी असाध्य बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान IMA के उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर आरती शुक्ला, डॉक्टर बी गुप्ता, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर किरण श्रीवास्तव, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर रत्नीश तिवारी, डॉक्टर AK चतुर्वेदी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे, जिसके संबंध में भारतीय चिकित्सा संघ IMA के अध्यक्ष शिव शंकर शाही ने बताया कि IMA गरीब मरीजों के इलाज के लिए हमेशा से कटिबद्ध रहा है। IMA द्वारा आज से पुनः निःशुल्क OPD का शुभारंभ किया गया है। OPD में शहर के जाने माने चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। इस OPD में सर्जरी, चर्म रोग, नाक, कान, गला, न्यूरो, हृदय रोग, नेत्र, बाल रोग, गैस्ट्रो सहित अन्य बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एड्स बीमारी छूने से नहीं फैलती, इसमें असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी और IMA के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शंकर शाही ने कहा, कट जा रहा है के बीच में पड़े था। थैंक यू। हो गया काम? नहीं बोलेगा। नए पद में भी दिक्कत है। रिफ्लेक्स आते हैं तो नहीं। कैजियस बन रहा है। सही है भाजी। ये उसके फूलों का इंतजाम होना चाहिए था ना। सही बात है। बीमारी है जिसको रोका जा सकता है। कोरोना से बचे, हाथ मिलाने भेदभाव नहीं उपचार, एड्स रोगियों से बांटे प्यार। इस वर्ष की थीम है बच्चे कोई गलती नहीं करते, उनको एड्स के बच्चों को प्यार दे, पोषण दे। मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति चतुर्वेदी है। मैं वुमन डॉक्टर विंग गोरखपुर IMA की चेयरपर्सन हूँ, हेड हूँ। आज वर्ल्ड एड्स दिवस है, इसमें अवेकनिंग के लिए WDW और मिशन पिंक हेल्थ गोरखपुर अपना रैली निकालेगा और इसमें ये बताना चाहते हैं हम दुनिया को कि अभी भी एड्स का इलाज होते हुए भी 40 साल से अभी फुल कंट्रोल हुआ नहीं है। तो उसके लिए अवेकनिंग यही है कि तीन चीज़ें से ठीक होती है एड्स, ABC। एक है एब्सटिनेंस, यानी कि दूरी रखें, इधर बी है बीइंग फेथफुल, अपना एक ही पार्टनर रखें और फेथफुल रहें, और सी है यूज ऑफ कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स फिर भी फेलियर रेट रहता है जिससे HIV पास हो सकती है, तो बेस्ट है एब्सटिनेंस और अपने आप को संयम में रखें। दूसरी तीसरी चीज़ है एंड पैंडमिक, एंडिंग इक्वालिटी एंड एड्स एंड एंड पैंडमिक एंड इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये है कि जो आदमी सफ़र कर रहे हों एड्स से वो ट्रांसमिट कर देते हैं औरतों को, और जो बच्चे पैदा होते हैं उस एड्स से तो वो इनोसेंट हैं, उन्हें कोई उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो सफ़र करते हैं एड्स से। तो और उनकी माल न्यूट्रिशन
हो जाता है, उनका एब्जॉर्प्शन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिससे दूसरी बीमारियां हावी हो जाती हैं। एड्स से रिलेटेड दूसरी बीमारियां भी हावी हो जाती हैं। इनकी न्यूट्रिशनल डिमांड्स 30 to 100 फोल्ड्स ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों से। तो इन लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना कि इन बच्चों को छुएं नहीं, इनको हेट्रेड दिखाएं, नहीं, दे आर इनोसेंट, क्योंकि इनसे आपको एड्स नहीं होगी, इनको छूने से एड्स नहीं होगी। एड्स तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है, वो भी गलत जगह, जिन लोगों को ऑलरेडी एड्स है उनके साथ। और डिस्क्रिमिनेशन ये करना है, जो सोसाइटीज डिस्क्रिमिनेशन, गे पीपल में भी, ट्रांसजेंडर्स, इनमें भी एड्स होने के संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कम्युनिटी वाइज वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस। और दूसरी चीज़ है कि ये जो पैन एंडेमिक, ये क्यों रोकना है हमें, क्योंकि कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट और इसकी ट्रीटमेंट रेट्रोवायरल थेरेपी से ही होती है। तो कोरोना वायरस के चक्कर में जो दवाइयाँ इंडिया विदेश बेचता है, तो उसके चक्कर में जो एड्स का रेट्रोवायरल थेरेपी है वो साइडलाइन हो जाती है। तो जो चेन, दवा की चेन जो मरीज को खाते रहना चाहिए, वो ब्रेक हो जाती है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए हमारा एंडेमिक ख़त्म होना चाहिए, कोरोना पैंडेमिक चाहे वैक्सीन से हो, इसलिए सब लोग वैक्सीन लगाएं और बाकी उसके जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना और वो सब धोना। मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही, अध्यक्ष IMA गोरखपुर। देखिए, आज IMA के नए टीम का पहला कार्यक्रम है, और सीतापुर आई हॉस्पिटल की OPD पिछले 2 साल से बंद थी कोरोना के कारण, जिसको जन कल्याण गरीब लोगों के लिए चालू किया जा रहा है। और आज ही एड्स दिवस है, एड्स से प्रति जागरूकता लाने के लिए कि समाज में एड्स कैसे फैलता है, चूँकि यह बीमारी लाइलाज है, एक बार हो जाने पर इसके इलाज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके विषाणु को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए बचाव ही इसका उपाय है। इसे कैसे बचा रहा जाए, इस बीमारी को न होने दिया जाए, इसी की जागरूकता आजकल समझ फैलाई जा रही है, जिसको हमारा WDW विंग, जो वुमेन विंग है, वो आगे IMA के साथ मिलकर एक रैली निकालेगा और इसको जन समाज के, जन के लोगों को, आम आदमी तक ये मैसेज दिया जाएगा कि एड्स एक बीमारी है जिसको रोका जा सकता है फैलने से। सर, रैली कहाँ? रैली सीतापुर आई हॉस्पिटल, यहाँ अभी IMA क्लिनिक का उद्घाटन होगा, जिसमें गरीब मरीजों का निःशुल्क देखा जाता है, इलाज होता है। यहीं से निकलकर इंदिरा बाल विहार होते हुए गोलघर चौराहे से वापस यहीं पर आ जाएगी।